काउंट में विधायकों के साथ सीएम गहलोत मौजूद हैं। सभी 109 विधायकों से बातचीत जो हो रही है, मुलाकात हो रही है अनौपचारिक। ये मुलाकात जो है ये क्या रंग लाएगी ये देखना होगा। फेयरमाउंट में विधायकों के साथ इस वक्त मौजूद हैं गहलोत और सभी 109 विधायकों से गहलोत अनौपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। देखिए 109 विधायक इस वक्त मौजूद हैं जिनसे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। और ये तमाम विधायक जो मौजूद हैं इस वक्त फेयरमाउंट में मौजूद हैं, जहां पर सीएम गहलोत खुद भी मौजूद हैं। बाकायदा वो वहां पर पहुंचे अपने तमाम विधायकों के साथ। अगर नंबर कहें तो 109 विधायक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो जो मुलाकात है वो हो रही है। तो 109 विधायकों से जो बातचीत है वो चल रही है। एक एक करके ये बात विधायकों से हो रही है, यानी कि एक विधायक से बात करके दूसरे विधायक से बात की जा रही है। तो और शादाब सिद्दीकी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और सीधा उनके और रुक कर रहे हैं। शादाब जी, ये जो पूरी हमने देखा कल से लेके अभी तक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदली हैं धीमे धीमे, लेकिन क्या खतरा, क्या संकट के बादल अभी भी गहलोत सरकार पर हैं? क्योंकि कई विधायक वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हालांकि जो मौजूद हैं उनसे बातचीत हो रही है, 1-to-1 उनसे जो है बातचीत का सिलसिला भी जारी है सीएम का। देखिए बिल्कुल, देखिए संकट के बादल ऐसा लगता है कि टल गए हैं, क्योंकि 109 विधायक इस वक्त उस होटल में मौजूद हैं और जो मेजोरिटी है वो 101 विधायकों की है। तो स्वाभाविक तौर पे सरकार को कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत ने मेजोरिटी जुटा ली है, कोई संकट कम से कम सरकार पे नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरी बात यह है कि अभी 6 बजे वो अशोक गहलोत जो 109 विधायक वहां मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। कहा जा रहा है कि वो ग्रुप में बातचीत होगी, किसी ग्रुप में 4 विधायक 3 विधायक 5 विधायक ऐसे करके वो 109 सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे और सबकी अगर कोई ग्रीवांस है, कोई परेशानी है या उनके उनके क्षेत्र की कोई समस्याएं हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक संवाद करने की कोशिश करेंगे उन सभी विधायकों से, क्योंकि आमतौर पर बहुत से विधायकों को अपने इलाके की समस्याओं को लेकर कुछ ना कुछ काम रहता है, कोई डिमांड रहती है जिसको मुख्यमंत्री को पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा देखिए तीन बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं जो दिल्ली से गए हैं, मसलन अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे जो कि इंचार्ज हैं वो भी होटल में मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल जो कि अभी राज्यसभा का इलेक्शन वहां से जीते हैं राजस्थान से, वो भी वहां मौजूद हैं। तो ये इन चारों नेताओं की मौजूदगी में भी बातचीत होगी। तो आप कह सकते हैं कि एक संवाद करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम चला है, जिस तरीके से सरकार के सामने एक मुश्किल आई, सचिन पायलट अभी भी नाराज हैं, अभी वो मानने के लिए तैयार नहीं है, उनको मनाने का भी दौर चल रहा है। तो कुल मिलाकर आप इसको एक संवाद की प्रक्रिया कह सकते हैं। और कहा जा रहा है कि 6 बजे से स्टार्ट होकर ये जो बैठक है वो डिनर तक यानी 9-10 बजे तक चलती रहेगी और मुख्यमंत्री खुद भी होटल में ही स्टे करेंगे, वो होटल में ही रात में रुकेंगे और अगले कुछ दिनों तक जब तक ये विधायक उस होटल में रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री भी वहां रहेंगे। तो ये सारी बातें गीतांजलि अभी साफ हुई है। शादाब जी, बीजेपी आईटी सेल के जो हेड अमित मालवीय कह रहे हैं, अभी हम वो भी सुशांत से भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिर इनके इस दावे में क्या, इस दावे को कैसे लिया जाए जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास पूरे हैं विधायक तो फिर आप फ्लो टेस्ट के लिए आइए, 100 से ज्यादा का आंकड़ा है तो फ्लो टेस्ट के लिए आइए। आखिर ये सब चल क्या रहा है, कैसे इसे देखा जाए? नहीं देखिए, अमित मालवीय ने जो कहा है वो स्वाभाविक तौर पर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जो भी विपक्षी दल है वो इस बात की मांग तो करेगा ही कि आप फ्लोर टेस्ट करिए, लेकिन देखिए लोकतंत्र में नंबर गिने जाते हैं। और जब अशोक गहलोत के घर मीटिंग हुई, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई और अब अभी वो दावा कर रहे हैं कि 109 विधायक उनके साथ हैं, तो अगर फ्लोर टेस्ट की मांग अमित मालवीय करते हैं तो मुझे लगता है कि जो अभी जो बहुमत का आंकड़ा है वो अशोक गहलोत के साथ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि फ्लोर टेस्ट तब होता है जब की विधानसभा चल रही हो, जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करे सदन में, तो अभी अभी तो विधानसभा भी नहीं चल रही है तो उसके लिए विधानसभा सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। जब सत्र शुरू होगा तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाने का भी एक प्रक्रिया होती है। तो अमित मालवीय का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और बीजेपी के तमाम नेता इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अब विपक्ष तो ये बात कहता है, लेकिन मोटे तौर पर मामला यही है कि जो अशोक गहलोत का जो संवाद है विधायकों से वो अभी होने वाला है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद होटल में जाकर रह रहे हैं क्योंकि उनका अपना घर जयपुर में है, वो अपने घर में भी रह सकते थे, लेकिन अशोक गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी एक सामान्य विधायक की तरह हैं, वो होटल में ही रहेंगे, उन्हीं विधायकों के साथ रहेंगे। आपको ये भी याद होगा कि जब पिछले दिनों राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस समय भी सभी विधायकों को रिसॉर्ट ले जाया गया था, तो उस समय भी मुख्यमंत्री विधायकों के साथ ही रहे थे, विधायकों के पास रहे थे। तो एक विश्वास बहाल करने की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं विधायकों में, लेकिन सचिन पायलट की जो नाराजगी है वो बरकरार है।
जाहिर तौर पर, और वो नाराजगी अभी चल रही है। हालांकि जो मनाने की तैयारी है, मनाने की कवायद है, वो भी लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल आगे की परिस्थिति उनके लिए क्या रहती है ये देखने वाली बात तो जरूर होगी। शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।